नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद के गांव बिगड़ में लॉकडाउन के दौरान घर के बाहर खड़े कुछ लोगों को समझाने के लिए पुलिस कर्मचारी मौके पर पहुंचे तो वहां पर लोगों ने उन पर हमला कर दिया। हमला करने वाले लोगों में कुछ महिलाएं भी शामिल हैं और बताया जा रहा है कि ये लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं, जिनमें से दो महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी चार लोगों को भी गिरफ्तार करने के लिए प्रयास कर रही है पुलिस। वहीं इस संबंध में मीडिया को जानकारी देते हुए फतेहाबाद के DSP सुभाष चंद्र ने बताया कि गांव बिगड़ में लॉकडाउन के दौरान पुलिस कर्मचारी ड्यूटी दे रहे थे। एक मोहल्ले में राहुल नामक युवक के घर के बाहर 10-12 लोग खड़े थे। पुलिस ने उन्हें घर के अंदर जाने की हिदायत दी और समझाने की कोशिश की। DSP ने बताया कि बाकी सभी लोग तो घर में चले गए थे, लेकिन कुछ लोग राहुल और उसके दो भाई तथा परिवार में मौजूद कुछ महिलाएं, उन्होंने पुलिस कर्मचारियों पर हमला कर दिया। पुलिस ने दो महिलाओं सहित 6 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। ये जो है ना, कल हमारे थाना सदर की टीम सही जुगलाल के नेतृत्व में जो है ना लॉकडाउन को इन्फोर्समेंट के लिए वहाँ बिगड़ में ड्यूटी पे थे, तो ये जो राहुल है इसके घर के आगे 10-12 लड़के खड़े थे। तो पुलिस ने कहा कि ये जो है ना कानून का आप जो लोग उल्लंघन कर रहे हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखो, जिस पर जो है ना कुछ लोग तो पहले के लिए लेकिन राहुल और इसके दो भाई और इसकी माँ और एक जो है इसके आत्मा की घरवाली, ये जो है ना इन्होंने जो है ना लाठी डंडों से पुलिस पे हमला कर दिया, जिस पर इनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। और FIR दर्ज करके संतरों और लक्ष्मी दोनों को जो है ना कल गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी गिरफ्तारी कुल किन लोगों में मामला दर्ज किया गया सर? ये 6 के खिलाफ मामला दर्ज है, उसमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया। तो किसमें किया गया सर, क्या धारा वगैरह कैसे लगाई गई? धारा ये जो है ना, एक तो जो है ना 144 की उल्लंघन, 188 IPC है, 332 है, 353 है, 186 है, 148, 149, 506 है।